हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊँगी चटपटी आलू की कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल दूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल मैंने रिफाइंड यूज़ किया है, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 5 लाल मिर्च साबित। मिर्च को ऑयल में फ्राई कर लेंगे जब तक मिर्च का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर बदल जाएगा मैं इसे बाहर निकाल लूँगी सारी मिर्च को। सारी मिर्च को बाहर निकालने के बाद जैसे ही ठंडी हो जाएगी मैं इसे क्रश कर लूँगी। बाकी बचे हुए तेल में मैं डालूँगी 1 प्याज। 1 प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हम और इंग्रीडियंट्स डाल देंगे। देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून जीरे का यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही ज़ीरा गोल्डन हो जाएगा इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टमाटो। टमाटो को मैंने बारीक कट कर लिया है। इस तरह से डाल दें और इसे भी डालकर भून लेना है। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसलिए मैं इसको कवर कर दूँगी 1 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। 1 मिनट हो गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। चला लेंगे इसे इस तरह से और इसमें ऐड कर देंगे आलू की कतली। आलू मैंने 700 ग्राम लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। सारे आलू को डालकर मिक्स कर देना है और जो मैंने लाल मिर्ची को क्रश किया था वो भी इसी टाइम पर डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें, क्योंकि आलू 700 ग्राम है तो आलू में नमक मिर्च अच्छा जाता है। इसे इस तरह से पलट कर पका लेंगे। हाई फ्लेम कर देना है हमें। 4 से 5 मिनट के लिए मैं आलू को इस तरह से पका लूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे पलटते हुए आलू की कतली को। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी। पानी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आलू गल जाए। पानी बहुत ही कम डालना है। अब मैं इसे कवर करके पका लूँगी। फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कतलियाँ कितनी अच्छी बनी हैं। मैं इसे चेक कर लेती हूँ ये पकी हैं कि नहीं। आलू की कतली बहुत ही अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया बारीक कट करके डाल देना है। गैस को ऑफ़ कर देंगे और आलू की कतली को बाहर निकाल लेंगे। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। आलू की कतली मैंने तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। अगर आप ये रेसिपी को ट्राई करेंगे यकीन माने आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।